बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल आर के ट्यूटर। क्या हाल है, कैसे हैं सब लोग? खैरियत है कि आप सब लोग ठीक होंगे? अच्छा जी, आज हम लोग एक नए टॉपिक की तरफ जाते हैं, डेट इज़ ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है, सो स्केलेटन बेसिकली कहते हैं हमारा जो फ्रेमवर्क है तो बॉडी का, जिसके ऊपर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, जिसके ऊपर हमारा सारा कहते हैं हमारी बोन्स जिसके अंदर आ जाती हैं, कार्टिलेज आ जाती है, जिसको ढांचा जिसे कहते हैं। ठीक है, वो चीज़ है। अच्छा, अभी हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन स्केलेटन क्या है और फिर इसके पार्ट्स क्या हैं। तो ठीक है, ह्यूमन स्केलेटन जो होता है वो बेसिकली दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, एक होता है बोन और दूसरा होती है कार्टिलेज। ठीक है, एक बोन से मिलकर बना है, दूसरा कार्टिलेज से मिलकर बना है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हमारी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 350 बोन्स होती हैं। ठीक है, ये बात याद रखें, एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ 350 बोन्स होती हैं। और जिसको हम लोग अडल्ट हो जाते हैं तो हमें ये बताया जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर कितनी बोन्स हैं। हम लोग पढ़ते भी ये कि 206 बोन है। ठीक है, 206 हड्डियाँ हैं आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये 350 से 206 का क्या चक्कर है कि 350 से 206 में क्या होता है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या होता है 350 बोन्स होती हैं जो कि ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, मैं आपको बताऊंगी कि बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस क्या है आगे जाके। सो ये जो बोन्स हमारे पास होती हैं, किस में ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं? कार्टिलेज के अंदर। ठीक है, तो फिर वो जो आधी बोन जो ट्रांसफॉर्म हो जाती हैं कार्टिलेज के अंदर, तो वो तो चलो ख़त्म होगी ना, तो पीछे जो रह गई हैं वो हमारे पास 206 होती हैं। ठीक है, 206। तो हमारी जो अडल्ट ह्यूमन की बॉडी रहती है उसके अंदर कितनी बोन्स होती हैं? 206 बोन्स होती हैं। अगर हम डिवीजन करें ह्यूमन स्केलेटन की, तो ह्यूमन स्केलेटन हमारे पास दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन में। ठीक है, नेम की बेस पे हम उसको डिवाइड कर दिए। एक्सियल स्केलेटन कौन सा स्केलेटन होता है? एक्सियल स्केलेटन हमारे पास होता है प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो कि बॉडी के मिड में प्रेजेंट होगा। ठीक है, और ये क्या करेगा? प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी। ठीक है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क देगा। ठीक है, अब हम इसके पार्ट देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि फ्रेमवर्क ये कैसे देते हैं। ठीक है, याद रखें कि ये हमारे बॉडी को फ्रेमवर्क कौन सा स्केलेटन देता है? एक्सियल स्केलेटन देते हैं। इसके तीन पार्ट्स हैं मेजर। ठीक है, एक हमारे पास है स्कल है, दूसरा वर्टिब्रल कॉलम है और तीसरा रिब्स है। ठीक है, स्कल किसे कहते हैं? खोपड़ी को। और वर्टिब्रल कॉलम ये पूरी हमारे स्पाइनल कार्ड तक आए होते हैं। ठीक है, इसे वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं। रिब्स हमारे पास जो होती हैं, जो लंग्स वगैरह होते हैं ये सारी, तो ये रिब्स यहाँ पे लाई आउट करती हैं। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट किसके हैं? एक्सोस्केलेटन के। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सोस्केलेटन हमारे पास क्या है? फ्रेमवर्क है बॉडी का, जो कि ऑल होल बॉडी को बना रहा होता है। हम लोगों ने पढ़ा एक्सोस्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ा। एक्सोस्केलेटन के तीन पार्ट्स पहले स्कल, वर्टिब्रल कॉलम और रिब केज या रिब्स। ठीक है, अब जो हम एक एक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, द फर्स्ट वन इज स्कल। ठीक है, स्कल बेसिकली कंपोज होता है 22 बोन्स से। ठीक है, जिसमें से क्रेनियम और फेशियल की बोन्स हैं 22, 6 ईयर बोन्स होती हैं और 1 हायोइड और नेक बोन होती है। ठीक है, जो कि स्कल को बना रही होती हैं। अच्छा, क्रेनियम के अंदर ये जो हमने बात की 22 बोन्स हैं क्रेनियम के अंदर, सो क्रेनियम के अंदर जो बोन्स हैं उन्हें वो 8 बोन्स होती हैं टोटल। ठीक है, जिसमें से 4 अनपेयर्ड होती हैं और 2 पेयर्ड होती हैं। पेयर्ड होंगी तो वो 4 और 4 8 बना देंगी। ठीक है, कहते हैं कि बर्थ टाइम पे जो क्रेनियम होता है वो इनकम्प्लीटली फॉर्म होता है। ठीक है, वो कम्प्लीट तौर पे बना हुआ नहीं होता। क्यों नहीं बना होता? अगर क्रेनियम बर्थ टाइम पे कम्प्लीटली तौर पे बन जाए तो ठीक है, बर्थ कनाल में इशू आता है। ठीक है, इसलिए हमारे पास जो बर्थ टाइम पे क्रेनियम बना होता है बेबी का या चाइल्ड का, वो हमारे पास क्या होता है? इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, अच्छा फेशियल बोन क्या होती हैं? फेशियल बोन हमारे पास 14 होती हैं, जिसमें से 6 क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं और 2 क्या होती हैं? अनपेयर्ड होती हैं। इसी तरह ईयर की हमारे पास कितनी होती हैं? 3 बोन्स होती हैं, वो 3 जो होती हैं वो टोटली क्या होती हैं? पेयर्ड होती हैं। अच्छा, अब फंक्शन क्या है बेसिकली स्कल का? स्कल का फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ठीक है, ये जो हमारा स्कल है ना, ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, बेसिक फंक्शन इसका ये है। जी, जो हमारे पास सेकंड जो पार्ट है हमारे पास एक्सियल स्केलेटन का, वो है वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, हमारे पास जो वर्टिब्रल कॉलम हमारा होता है वो स्कल से हमारे पास एक्सटेंड करता है पेल्वस की तरफ और हमारे पास एक बैकबोन बना देता है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा स्कल है। ठीक है, इधर से ये एक्सटेंड होके ये हमारे पास क्या बना देगा? बैकबोन बनाएगा। ये बैक साइड आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, अब ये बैकबोन हमारे पास क्या करती है? हमारे जो स्पाइनल कार्ड है इसको प्रोटेक्ट करती है। और ये जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ये रॉड लाइक होता है, मतलब रॉड शेप होता है। ठीक है, अब जो बात है वो ये है कि जो वर्टिब्रल कॉलम होता है हमारे पास उसके अंदर वर्टिब्री होती हैं, मतलब वो जिससे बना होता है उन्हें कहते हैं वर्टिब्री। ठीक है, तो टोटल 33 वर्टिब्री होती हैं। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर
जिनको हमने फोर ग्रुप्स में डिवाइड किया होता है, ठीक है। फर्स्ट वन इज कर्विकल वर्टिब्री, थोरेसिक, लंबर एंड पेल्विक। कर्विकल वर्टिब्री हमारे पास क्या होती हैं, ये सर्विकल या कर्विकल वर्टिब्रीज हमारे पास क्या होती हैं, सेवन वर्टिब्री होती हैं और ये नेक रीजन में होती हैं, ठीक है। सेवन वर्टिब्री होंगे मतलब नंबर कितना होगा, सेवन होगा, और ये नेक रीजन में होंगी। थोरेसिक हमारे पास जो थोरेसिक मतलब ये जो हमारा थोरेसिक रीजन इधर होंगी, ठीक है, और ये 12 इन नंबर होंगी। लंबर लंबर वर्टिब्री हमारे पास 5 इन नंबर होंगी, लंबर रीजन में होंगी, ठीक है, बैक रीजन। पेल्विक पेल्विस की तरफ जो होंगी, ठीक है, पेल्विक वर्टिब्री ये लास्ट पे आ जाती हैं, ठीक है, सबसे एंड, ये जो टेल बोन नहीं आती यहाँ पे, जहाँ पे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड खत्म हो रही होती है हमारी, वहाँ पे होंगी। तो ये पेल्विक वर्टिब्री हमारे पास क्या होती है, 9 वर्टिब्री होती हैं टोटल, और ये पेल्विक रीजन में होती हैं हमारे पास। अच्छा, इनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है फर्दरली, एक होती है सैक्रल और एक होती है कोकस। सैक्रल वर्टिब्री जो होती हैं, ठीक है, ये 9 को ही हमने आगे डिवाइड किया है। सैक्रल के अंदर 5 वर्टिब्री आती हैं 9 में से, और कोकस ये टेल बोन के अंदर 4 वर्टिब्री आती हैं, और ये जो 4 होती हैं कोकस, ये हमारे पास क्या होती हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन, इनका कोई काम नहीं होता, ठीक है, इनका दे आर फंक्शनलेस, ठीक है, ये वेस्टिजियल ऑर्गन में आती हैं। याद रखें हमारे पास जितनी टोटल 33 वर्टिब्री थी, जिनको हमने डिवाइड कर दिया, 7 आ गई, 12, 5 और 9। 9 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, सैक्रल एंड कोकस। सैक्रल वाली जो होती हैं वो 5 होती हैं, वो फ्यूज्ड होकर मतलब बना देती हैं हमारे पास पेल्विक रीजन को, जबकि जो कोकस होती हैं जो लास्ट पे रह जाती हैं, जो हमारे पास टेल बोन हम कहते हैं, स्पाइनल कार्ड की एक टेल बोन होती है, वो उसका कोई फंक्शन नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर, वो 4 वर्टिब्री से बनी होती है और दे आर फंक्शनलेस, ठीक है, उनको कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। सो थर्ड पार्ट ऑफ एग्जिस्टेंस इज रिब्स आर रिब केज, हम उसे कहते हैं, ठीक है, केज मतलब वो पिंजरे की तरह उसका एक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, इसलिए उसे रिब केज कहते हैं, ठीक है। इसका सेकंड नाम क्या है, चेस्ट बॉक्स भी हम कहते हैं, क्यों कहते हैं, बिकॉज दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द चेस्ट कैविटी, ठीक है, इस वजह से हम इसे कहते हैं रिब केज, ये चेस्ट बॉक्स भी कहते हैं। अच्छा, इसके एक और फंक्शन क्या है, कि ये आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द सेंसिटिव ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी डेट इज़ हर्ट एंड लंग्स, ठीक है, उनको भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास कितनी पेयर्स होती हैं, 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हमारी बॉडी के अंदर होती हैं, ठीक है, जिस तरह हमारे पास 33 वर्टिब्रेज होती थी, इसलिए 12 पेयर्स होंगी, ठीक है, रिब्स के, जिसको हमने 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, ठीक है, ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स कौन सी होंगी, डेट आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टर्नम, जो स्टर्नम के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होंगी, ये जो हमारे पास बॉडी एक वर्टिब्रल कॉलम जा रहा है, इसके साथ डायरेक्टली अटैच होंगी जो, और 7 पेयर इन नंबर होंगी, ठीक है। जबकि फॉल्स रिब्स कौन सी होंगी, दैट आर नॉट डायरेक्टली अटैच्ड बट अटैच्ड थ्रू इंटरकोस्टल आर्क, जो एक आर्क के जरिए, एक ये कहते हैं डंडी के जरिए, उसे हम आर्क कहते हैं, ठीक है, उसके ज़रिए अटैच होंगी, ठीक है, डायरेक्टली अटैच नहीं होगी, एक आर्क के ज़रिए खुद अटैच होंगी, फिर आगे से वो स्टर्नम के साथ अटैच होगी, तो उसे हम कहते हैं वो क्या है, फॉल्स रिब्स हैं और नाम है, ठीक है, इनका, और ये 3 पेयर नंबर है। फ्लोटिंग रिब्स कौन सी होगी, जो कि फ्री होती है, जो कि किसी के साथ अटैच नहीं होती, ठीक है, फ्री रिब्स होती हैं, और ये इनको फ्लटिंग रिब्स भी तभी कहते हैं, फ्लटिंग मतलब जो हम कहते हैं तैर होता है, वो फ्री होता है, मतलब उसके पास वो किसी से अटैच नहीं होता, ठीक है, और ये 2 पेयर नंबर है, तो हम 7, 3 और 2, ये हमारे पास 12 पेयर बन जाते हैं, ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये 12 पेयर ऑफ रिब्स हमारे पास अटैच होती हैं स्टर्नम के साथ। अब देखें, ये हम ऐसे डायग्राम जिस बनाते हैं ना, तो ये हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम आ गया, ये रॉड शेप, अब इसके साथ ये हमारे पास क्या होती हैं, रिब्स अटैच होती हैं। अब ये रिब्स हमारे पास ये चेस्ट कैविटी को भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, हार्ट को भी, हार्ट हमारे पास यहाँ पे आएगा, लंग्स यहाँ पे आएंगे, ठीक है, वो अभी आपको हाल ही मैंने ये एग्जांपल बताई है, अगर हम पूरे एक ऑर्गन बनाएं तो ये चीज़ें उन ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रही होती हैं। हार्ट होगा यहाँ पे, लंग्स होंगी, लंग्स को प्रोवाइड करेंगी क्या, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी, प्रोटेक्ट करेंगी, ठीक है, लंग्स को, इनके नीचे होंगे लंग्स। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे, हमने क्या पढ़ा, ह्यूमन स्केल्टन, ह्यूमन स्केल्टन की 2 डिवीजन हमने की, एक्सियल और एपेंडिकुलर स्केल्टन, एक्सियल स्केल्टन के 3 पार्ट्स थे, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। जो हम अब जो जो एक्सियल स्केल्टन थे उसके 3 पार्ट हमने पढ़े हैं आज, स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब केज। सो अभी हम एपेंडिकुलर स्केल्टन पे जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, उसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, बल्कि इसके एंड पे मैं, बल्कि वो वीडियो जब बनेगी तो मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड करूँगी। सो ये थोड़ा ब्रीफ टॉपिक था, अगर आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई समझ ना आई हो या कहीं पर कोई भी मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।